नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इंडियन स्टडी के हिंदी यूट्यूब चैनल पर। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आज के इस वीडियो में 8 जनवरी 2018 की सारी करेंट अफेयर्स देखते हैं जो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। दोस्तों आपको बता दूं, अगर आपने मेरे चैनल इंडियन स्टडी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं रोजाना स्टडी से रिलेटेड वीडियो लाता रहता हूँ। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन के साथ भारतीय मैत्री के 25 वर्ष पूरे किए? कितने वर्ष दोस्तों? भारतीय मैत्री ने 25 वर्ष पूरे किए। कितने दोस्तों? 25 वर्ष पूरे किए। पहला ऑप्शन से आपका सार्क, दूसरा ऑप्शन से आपका ओपेक, तीसरा ऑप्शन से आपका मार्स और चौथा ऑप्शन से दोस्तों आपका आसियान। दोस्तों सही उत्तर है वो है आपका डी, आसियान। आसियान अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन के साथ भारतीय मैत्री कितने वर्ष पूरे हो गए दोस्तों? 25 वर्ष पूरे हो गए। और दोस्तों आपको बता दूं, आसियान का जो मुख्यालय है वो है आपका जकार्ता में है। कहाँ है दोस्तों? जकार्ता इंडोनेशिया में। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। इसरो द्वारा बनाए गए अब तक के सबसे वजनी यानी कि सबसे भारी सैटेलाइट का नाम क्या है? ठीक है दोस्तों, अब तक के सबसे वजनी सैटेलाइट का नाम क्या है? पहला ऑप्शन से दोस्तों आपका काटा स्ट्रोप 12, दूसरा ऑप्शन से जी सेट 11, तीसरा ऑप्शन से इंडिया 10 और चौथा ऑप्शन से दोस्तों जी सेट 19। तो दोस्तों सही उत्तर है आपका जी सेट 11। जी सेट 11 इसरो द्वारा बनाए गए अब तक के सबसे वजनी सैटेलाइट का नाम है। और दोस्तों आपको बता दूं, जो इसरो का जो मुख्यालय है वो है आपका बेंगलोर में। कहां पर है दोस्तों? बेंगलोर कर्नाटक में। ठीक है दोस्तों, इसरो का जो मुख्यालय है वो है आपका बेंगलोर में। और दोस्तों एक क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि इसरो की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों इसरो की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी आपकी 15 अगस्त 1969। कब दोस्तों? 1969 में इसरो की स्थापना की गई थी। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। खेलों से संबंधित किस योजना का लोगो हाल ही में राजवर्धन सिंह राठौर ने लॉन्च किया? तो पहला ऑप्शन से आपका भारत क्रीडा, दूसरा ऑप्शन से आपका ओलंपिक इंडिया, तीसरा ऑप्शन से आपका खेलो इंडिया और चौथा ऑप्शन से आपका जीतो इंडिया। दोस्तों जो आपका सही उत्तर है वो है आपका खेलो इंडिया। खेलो इंडिया खेलों से संबंधित एक योजना है जिसका लोगो राजवर्धन सिंह राठौर ने क्या किया दोस्तों? लॉन्च किया। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य में बिना अनुमति के लाउड स्पीकर बजाने पर प्रतिबंध लगा दिया? यानी कि आप बिना अनुमति के क्या नहीं बजा सकते? लाउड स्पीकर बजा नहीं सकते दोस्तों। तो पहला ऑप्शन से आपका उत्तर प्रदेश, दूसरा ऑप्शन से आपका गुजरात, तीसरा ऑप्शन से आपका बिहार और लास्ट ऑप्शन से दोस्तों आपका राजस्थान। दोस्तों आपका सही उत्तर है, सही उत्तर क्या है दोस्तों? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश ने हाल ही में बिना अनुमति के लाउड स्पीकर बजाने से क्या लगा दिया दोस्तों? प्रतिबंध लगा दिया। और दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं, कई बार हो चुका वीडियो में, उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं आपके योगी आदित्यनाथ और सही नाम क्या है दोस्तों? अजय सिंह बिष्ट। ठीक है दोस्तों, और उत्तर प्रदेश के जो राज्यपाल हैं, राज्यपाल कौन है दोस्तों? उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आप सभी लोग जानते हैं वो हैं आपके राम नायक। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में स्कूलों की सुरक्षा को लेकर किस संस्था ने दिशा निर्देश जारी किया? पहला ऑप्शन से आपका NCPCR और नेक्स्ट ऑप्शन से दोस्तों NHCR और नेक्स्ट ऑप्शन से SSB और लास्ट ऑप्शन से दोस्तों NSBI। तो दोस्तों सही उत्तर है आपका NCPCR। NCPCR ने स्कूलों की सुरक्षा को लेकर दिशा निर्देश जारी किया। ठीक है दोस्तों, और जो NCPCR का जो फुल फॉर्म है वो है आपका नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स। क्या है दोस्तों? नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन, ठीक है दोस्तों, प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट। क्या है दोस्तों? चाइल्ड
राइट, ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश ने अपना प्राथमिक स्कूलों में अंग्रेजी पढ़ाए जाने पर प्रतिबंध लगा दिया? क्या दोस्तों, हाल ही में किस देश ने अपने प्राथमिक स्कूलों में अंग्रेजी पढ़ाए जाने पर क्या लगा दिया, प्रतिबंध लगा दिया? ठीक है दोस्तों, तो पहला ऑप्शन से आपका सऊदी अरब, दूसरा ऑप्शन से आपका ईरान, तीसरा ऑप्शन से आपका चीन, और लास्ट ऑप्शन है दोस्तों आपका पाकिस्तान। तो दोस्तों आपका सही उत्तर है वो है आपका ईरान। ईरान देश ने जो है अपने प्राथमिक स्कूलों में अंग्रेजी पढ़ाए जाने पर क्या लगा दिया दोस्तों, प्रतिबंध लगा दिया। ठीक है दोस्तों, और ईरान के जो राष्ट्रपति हैं, ईरान के जो प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति हैं, कौन है दोस्तों, कौन है दोस्तों, हसन रूहानी। ईरान के जो राष्ट्रपति है वो कौन है, हसन रूहानी। कौन है दोस्तों, हसन रूहानी ईरान के राष्ट्रपति हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य के हाई कोर्ट ने यह फैसला सुनाया कि महिलाएं टेरिटोरियल आर्मी यानी प्रादेशिक सेनाओं में काम करने के लिए पात्र हैं? कल का ऑप्शन से दोस्त, सॉरी कल का क्वेश्चन है ये क्वेश्चन, कल के वीडियो में भी कवर किया गया था क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला है आपका दिल्ली उच्च न्यायालय, दूसरा है आपका बिहार, तीसरा आपका झारखंड, और लास्ट ऑप्शन है आपका पंजाब। तो दोस्तों अगर आपने कल की वीडियो देखी है तो आप आसानी से उत्तर बता देंगे। आंसर क्या है दोस्तों इसका, दिल्ली उच्च न्यायालय। यानी दिल्ली उच्च न्यायालय यह फैसला सुनाया कि महिलाएं जो हैं टेरिटोरियल आर्मी में काम करने के लिए क्या है, पात्र हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ट्रंप प्रशासन ने किस देश की सीमा पर दीवार बनाने हेतु 18 अरब अमेरिकी डॉलर का प्रस्ताव रखा ट्रंप शासन ने? ठीक है दोस्तों, तो पहला ऑप्शन से आपका चीन, दूसरा ऑप्शन से आपका इराक, तीसरा ऑप्शन से आपका मैक्सिको, और लास्ट ऑप्शन से आपका जापान। तो दोस्तों आपका सही उत्तर है वो है आपका मैक्सिको। मैक्सिको मैक्सिको देश की सीमा पर 18 अरब अमेरिकी डॉलर का प्रस्ताव अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रखा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केंद्र सरकार ने मेक इन इंडिया के तहत किस देश की कंपनी कंगनम के साथ 32,640 करोड़ रुपए का माइन काउंटर मेजर बेसल्स यानी कि MCMB रक्षा सौदा रद्द कर दिया यानी कि खत्म कर दिया? पहला ऑप्शन से आपका दक्षिण कोरिया, और दूसरा ऑप्शन से आपका चीन, थर्ड ऑप्शन से आपका नेपाल, और लास्ट ऑप्शन है आपका दोस्तों रूस। तो दोस्तों सही उत्तर है आपका दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया के साथ मेक इन इंडिया के तहत कंगनम कंपनी के साथ 32,640 करोड़ रुपए का माउन काउंटर वेजर बेसल्स रक्षा का सौदा क्या कर दिया दोस्तों, रद्द कर दिया। और दोस्तों आपको बता दूं कि दक्षिण कोरिया की जो राजधानी है वो क्या है दोस्तों, सियोल। क्या है दोस्तों, सियोल। और दक्षिण कोरिया के जो राष्ट्रपति हैं वो कौन है दोस्तों, मून जेई इंग। कौन है दोस्तों, मून जेई इंग। ठीक है दोस्तों, दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस देश के बल्लेबाज एलिस्टर कुक ने सचिन तेंदुलकर को पछाड़कर टेस्ट क्रिकेट में 12,000 रन बनाने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बन गए? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। एलिस्टर कुक किस देश के खिलाड़ी हैं जिन्होंने सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड को तोड़कर 12,000 रन बनाने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बन गए? तो दोस्तों अगर आप क्रिकेट देखते होंगे तो इसका आंसर आसानी से लगा देंगे कि एलिस्टर कुक किस देश के लिए खेलते हैं। पहला ऑप्शन से आपका ऑस्ट्रेलिया, दूसरा ऑप्शन से आपका इंग्लैंड, तीसरा ऑप्शन से आपका न्यूजीलैंड, और लास्ट ऑप्शन है दोस्तों आपका इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों सही उत्तर है आपका इंग्लैंड, यानी कि एलिस्टर कुक जो है वो इंग्लैंड के बल्लेबाज हैं। ठीक है दोस्तों, एलिस्टर कुक इंग्लैंड के बल्लेबाज हैं जिन्होंने सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड 12,000 रन, जो सबसे युवा खिलाड़ी रन बनाने का रिकॉर्ड था उसे तोड़कर अब एलिस्टर कुक बन गए हैं। दोस्तों अगर आप मेरे व्हाट्सएप नंबर से जुड़ना चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर 7007981465 है। इस पर आप मुझे इंडियन स्टडी लिखकर मैसेज कर सकते हैं, जिससे आने वाले जितने भी अपडेट्स होंगे वो मैं आपके व्हाट्सएप नंबर पर ही प्रोवाइड करा दिया करूँगा। दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोज़ाना स्टडी से रिलेटेड वीडियो लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।